हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल डेविड। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ये बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक एडमिशन के बारे में। तो उसके पहले आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ईयर एडमिशन की प्रोसीजर फाइनली चालू हो गई। तो सबसे पहले एडमिशन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए यह अब हम बताने वाले हैं। अगर आप 10वीं के बाद डायरेक्टली फर्स्ट ईयर करना चाहते हो, यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन करना चाहते हो, तो आप एक द कैंडिडेट शुड बी इन इंडियन नेशनल, तो एक भारतीय छात्र होना चाहिए। एंड जेके वालों के लिए अलग से सीट रहती है। तो कितने परसेंट लगते हैं आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन करने के लिए? तो आपको एटलीस्ट 35% होना चाहिए। कैंडिडेट पास एसएससी विद सब्जेक्ट मैथ, तो कोड में उसको बताने वाला हूँ 71, एंड जो साइंस का है वो है 72। ये सब्जेक्ट कोड जो रहेंगे वही एलिजिबल रहेंगे। मतलब महाराष्ट्र के कैंडिडेट है उनके सिलेबस तो यही है, सब्जेक्ट 71 एंड 72 वाले कोड वाले। तो जो अदर स्टेट वाले भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक में एडमिशन करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से सीट रहेंगे, वो कोटा के थ्रू भी एडमिशन कर सकते हैं। बस यह हो गई कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है, मतलब कैसे क्या करना पड़ता है, पूरी प्रोसीजर क्या है, क्या राउंड क्या है, मेरिट लिस्ट सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एडमिशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक किट खरीदना पड़ती है। तो चलिए आपको उसके बारे में बता देता हूँ। किट सबसे पहले आपको एप्लीकेशन किट लेनी पड़ती है, एससी। अब मैं फी वो कितने रुपये की किट आती है वो बताने वाला हूँ। एससी, एसटी, एनटी एंड एसबीसी को सिर्फ 300 रुपीज़ में आती है, और जो ओपन और जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 400 रुपये की किट है वो। उसके बाद आप कॉलेज में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर नेट कैफे में जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसीजर हो जाती है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करके अपलोड करके पूरी रजिस्ट्रेशन कर जाते हैं। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन के लिए भी जाना पड़ता है कॉलेज, उसके लिए अलग से डेट रह जाए। देन आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है ऑनलाइन से, पूरी प्रोसीजर ऑनलाइन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई बोले कि ऑफलाइन कॉलेज में जाकर ऐसे वैसे फॉर्म भरना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्टली ऑनलाइन से कंप्यूटर से या फिर नेट कैफे से आपको भरना पड़ता है। देन आपको ऑप्शन फॉर्म यानी आप कौन सा कॉलेज भरना चाहते हैं वो भी भर सकते हैं, आपके मनपसंद का कॉलेज भी भर सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट लगने के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है, देन फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये तो हो गई पूरी प्रोसीजर। फाइनल स्टेप जो आती है वो है आपको कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी इसके बारे में यानी डेट्स वगैरह आए नहीं है, तो जैसे ही डेट आ जाएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी हम आपको डेट यानी किस दिन आपको कैप राउंड भरना है, किस दिन प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली, सब कुछ हम बताने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आपको जो रेड कलर का बटन दिख रहा है या फिर सब्सक्राइब नाम दिख रहा है उसको दबाना है, और बेल आइकॉन को भी दबाना है। तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी यानी कब क्या चालू होने वाला है सब कुछ हम आपको बता देंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, अच्छी वीडियो लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। 10th के स्टूडेंट रहते हैं तो उनको बहुत दिक्कत जाती है, कुछ भी पता नहीं रहता, तो उनके साथ भी शेयर कर देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा यानी पोस्ट HSC डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल।